सूबे के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एवं पूर्व आईएएस एके शर्मा का जन्मदिन जनपद मऊ और उनके पैतृक गांव काजा खुर्द में धूमधाम से मनाया गया। वहीं आपको बता दें कि काजा खुर्द के प्राथमिक विद्यालय पर जहां सैकड़ों बच्चों को मिठाइयां, केक व स्वादिष्ट पकवान बांटकर उनके साथ एके शर्मा के जन्मदिवस को धूमधाम से मनाया गया। वहीं बुजुर्ग और कैंपेनिंग करने आए लोगों को बधाइयां भी दी एवं बुजुर्गों को साल वितरित कर उन्हें सम्मान भी दिया। इस बीच बता दें कि सूबे के कद्दावर मंत्री एके शर्मा जहां सबसे ताकतवर बताए जाते हैं, वहीं अपने विनम्र स्वभाव के लिए भी लोग उनकी वाहवाही करते हैं। इस बीच बच्चों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। मेरा नाम राजशेखर सोलंकी है। कहाँ पे पढ़ते हो तुम? मैं मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय शिक्षा क्षेत्र। अच्छा, आज किसका जन्मदिन मना रहे हो? आज मैं एके शर्मा का जन्मदिन मना रहा हूँ। अच्छा, क्या चाहते हो, किस तरीके से एके शर्मा जन्मदिन मनाओगे, क्या करना चाहोगे जीवन में? मैं उनकी तरह एक अच्छा सा आदमी बनना चाहूँगा और कुछ नेक काम करना चाहूँगा। क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र तिवारी। तिवारी जी, किसका जन्मदिन मना रहे हैं? कौन शर्मा नगर विकास ऊर्जा मंत्री का जन्मदिन। ये कौन सा गांव है? काजा खुर्द है। अच्छा, क्या कहेंगे आप? अरे, यहाँ के माटी के लाल हैं, उनको विकास पुरुष के रूप में हम लोग देखते हैं। प्राइमरी स्कूल 1962 इस विद्यालय में वो पढ़े थे और जर्जर हो गया था, उनकी देन है कि आज ये बनकर तैयार हो गया। दूसरा तल्ला का भी इस्टीमेट चला गया है, जल्द ही पैसा आ जाएगा। जल्दी पैसा आएगा। क्या नाम है आपका? मना, किसका जन्मदिन आज यहाँ मना रहे हैं? एके शर्मा जी। अच्छा, कौन है शर्मा जी? मंत्री, मंत्री। ये कौन सा गांव है? काजा खुर्द। कैसा लग रहा है उनका जन्मदिन मनाकर? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे उनके लिए, क्या कहेंगे, आज उनका जन्मदिन है? शुभकामनाएं। कौन है, किसका जन्मदिन मनाने आए हो? एके शर्मा। तो क्या कहोगे एके शर्मा जी को, बोलो। एक जो है निःशुल्क कैंप आयोजन किया गया जिसमें डॉक्टर साहब बाहर से आए हैं और उसमें कुछ जाँच जो है मंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पे फ्री किया जा रहा है जी फिनिक के तौर पर। डॉक्टर साहब जी फिनिक पे मिलेंगे और सारी जो एक्टिविटी होती है वो जो भी गांव के लोग हैं जिनको भी किसी तरह की बीमारी है, शिकायत है या वो आके दिखा सकते हैं और एक अच्छा प्रोग्राम इस पर ऑर्गेनाइज होगा।